जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप जो प्यार दे रहे हैं ना, उसके लिए आपका सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। दोस्तों, बाबा महाकाल आप पर हमेशा कृपा बरसाए रखें। थोड़ा पीछे आवाज़ आ रही होगी, बारिश बहुत तेज़ है इसलिए आवाज़ आपको आ रही होगी, तो इसे भी इंजॉय करें। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मौका आया है उसे ना गवाएं। अब ये कौन सा मौका आया है, किस मौके की मैं बात कर रहा हूँ, और ये मौका अभी वर्तमान स्थिति में भी आपके पास है, और ये पूरी चीज़ पर, इस विषय पर चर्चा होगी। और चर्चा होने के साथ साथ आपको पूरी नई जानकारी मिलेगी, और इन चीज़ों को जानने के बाद आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जानकारी को सही तरीके से समझें। इससे पहले एक निवेदन है दोस्तों कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अब चैनल से नहीं जुड़े हैं, छोटा सा निवेदन है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई यूनिक नाम लिखें, जो आपका मन हो, कोई सा भी नाम भोलेनाथ का कमेंट्स में लिखें, क्योंकि ईश्वर हर जगह है, तो इसी पल हम ईश्वर का नाम लें। दूसरी बात है कि वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप देखिए, उस पर व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात करें। शुल्क जो है वो नॉमिनल है, वो पे करके आप बात कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करना चाहते हैं मौके की, कि जीवन में हर एक पल, हर एक समय हमें मौके मिलते हैं। अभी इन हालातों में तो इन सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो यहाँ से इन बातों को बहुत ध्यान से समझें और इन पर अपने जीवन में अमल करें। पहली और मुख्य बात कि अभी इन हालातों में बहुत से लोगों के साथ जो टाइम है, एक अव्यवस्थित टाइम चल रहा होगा। मतलब पहले जो रेगुलर टाइम चलता था हमारा, रेगुलर चीज़ें होती थी रूटीन की, अब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है और धीरे धीरे वो रूटीन पर आ रहा है। लेकिन इस डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे जातक अभी तकलीफ़ में होंगे। जैसे नौकरी, व्यापार का धीरे चलना, बहुत सारे से व्यापार हैं जो कि चीज़ों का बंद होने से वो बंद होंगे। तो इस समय इन हालातों में आपको जो भी मौका मिल रहा है, चाहे काम का, चाहे व्यापार का, जो भी मौका मिल रहा है, उस मौके को आप पकड़ लें। मैं फिर से एक बात को समझ रहा हूँ कि इस मौके को पकड़ लें, क्योंकि अभी जो की गई चीज़ें, क्योंकि जब हालात अब आने वाले समय में धीरे धीरे सब ठीक होने वाले हैं और ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, तो इस मौके को हम अवसर में यदि बदल दें और उन चीज़ों को रेगुलर कर देंगे, तो आने वाले समय में वो एक बहुत बड़ी चीज़ आपको दिखाई देगी। क्योंकि ये अवसर तो अब जाने वाला है, ये जो महामारी का दौर है ये कुछ दिनों में अब चले जाएगा, या ना भी जाएगा तो इसके साथ हम जीना सीख ही गए हैं, और जीना सीखना हमारी मजबूरी है। तो इस अवसर पर जो जो मौके मिले हमें, उन्हें अभी भी वक्त है कि आप उन्हें भुना लें। बहुत सारे मौके हैं, आप अपने क्षेत्र, अपने गाँव, अपने नगर, हर जगह अगर आप थोड़ा सा अच्छे से सोचें तो आपको वो मौका दिखाई देगा। तो मौका ना गवाए, मेरा इसीलिए इस विषय को बनाना महत्वपूर्ण था कि ये बहुत अच्छा मौका है, इसे ना गवाए, एक सकारात्मक कुछ भी नई शुरुआत करें। आपके जीवन में सब कुछ चीज़ें सकारात्मक और पॉजिटिव होगी। तो अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल।